जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो कि एक पौधे की कहानी है और जो अकेला रहता है और वो अपने दोस्त बनाना चाहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या वो दोस्त बनाने में सफल हो पाया या नहीं। यदि हो पाया है तो उसका दोस्त कौन बना है और कैसे बना है, इस वीडियो में हम ये कहानी पूरी देख लेते हैं। आज हमारी कहानी का नाम है एक अकेली नागफनी, जिसको ट्रांसलेट किया है ममता नैनी ने और ये रूम टू रीड पर पब्लिश की गई है। काटेदार नागफनी का कोई दोस्त नहीं है, वह बहुत अकेली है। नागफनी एक मरोदभेद पौधा होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। मरोदभेद पौधा मतलब जो कम पानी में पाया जाता है, यानी कि उसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। एक दिन उसने दूसरे पेड़ों से दोस्ती करने का फैसला किया। सबसे पहले वे नारंगी के पेड़ के पास पहुंची। मैं कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, नारंगी के पेड़ ने अकड़ कर कहा। कांटेदार नागफनी अब केले के पेड़ के पास गई। दोस्त और तुम्हारा हो ही नहीं सकता, पेड़ ने कहा। कांटेदार नागफनी ने आम के पेड़ से पूछा और अमरूद के पेड़ से भी। सभी ने उसका दोस्त बनने से मना कर दिया। क्या आप बता सकते हैं बच्चों, ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? कोई नागफनी का दोस्त क्यों नहीं बन रहा? कांटेदार नागफनी फिर पपीते के पेड़ से मिलने गई। तुम्हारे साथ दोस्ती करना आसान नहीं, पपीते के पेड़ ने कहा। फलों के पेड़ लोगों को बेहद पसंद होते हैं। वे प्यार से हमारी देख रेख करते हैं और हमें अपने बगीचे में रखते हैं, मगर तुम तो एक जंगली पेड़ हो, बिल्कुल पेड़ों से अलग हो। हमें ध्यान से पानी दिया जाता है, लेकिन तुम्हें तो धूप और धूल की आदत है, पपीते के पेड़ ने कहा। मगर तुम्हें अकेला देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, बस मुझे चोट मत पहुंचाना। कांटेदार नागफनी और पपीते का पेड़ साथ खेलने लगे। खेलते खेलते नागफनी का एक कांटा पपीते के पेड़ को चुभ गया। चोट लगने से पपीते का पेड़ नाराज हो गया। वह अब नागफनी के साथ और नहीं खेलना चाहता था। कांटेदार नागफनी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहीं और दोस्त ढूंढने की ठानी। जल्द ही उसे एक कांटेदार झाड़ी मिली। अरे, तुम और मैं तो एक जैसे हैं, झाड़ ने कहा। हम दोनों कांटेदार हैं, चलो आज से हम साथ खेलेंगे और साथ रहेंगे। वे दोनों एक नई जगह की तलाश में निकल पड़े। जल्द ही वे एक खुले सूखे मैदान में पहुंचे। यह जगह हम जैसे कांटेदार दोस्तों के लिए एकदम सही है, वे खुशी से चिल्लाए। अब से हम यहीं रहेंगे। तो बच्चों, जो जैसा होता है उसको वैसी ही संगति पसंद आती है। नागफनी का पौधा कांटेदार था, वो ना चाहते हुए भी दूसरे पौधों को नुकसान और चोट पहुंचा दे रहा था, इसलिए उसने अपने जैसी ही संगति ढूंढी और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।